प यू विल बी ऑल फाइन टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन अदर काइंड ऑफ टेंसिस विच इज़ फ्यूचर टेंस आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे इसकी फर्दर थ्री टाइप्स हैं विच इज़ फ्यूचर सिम्पल टेंस फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस मीन्स के फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्यूचर सिम्पल के बारे में पढ़ेंगे दैन फ्यूचर कंटिन्यूज के और लास्ट वन इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर टेंस व्हाट इज़ फ़्यूचर टेंस फ्यूचर टेंस क्या है और इसकी हमारे पास पहचान क्या है जुमले के आखिर में आपके पास गा गे गी वगैरह आता है फ़्यूचर टेंस की पहचान क्या है कि ऐसा जुमला जिसके लास्ट पे गा गे गी वगैरह आएगा वो आपके पास फ़्यूचर का टेंस होगा फार्मूला इसका बनाने का क्या है सबसे पहले आपके पास आएगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब आपके पास विल या शेल होंगे उसके बाद आपके पास प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स के आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है उसके बाद आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल आपके पास हैं प्रोनाउंस दे हैं ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम है आपके पास तो उसके साथ विल आता है जबकि आई और वी के साथ शेल आता है आई वी के अलावा बाकी सब के साथ आपके पास विल आएगा यू कैन सी आपके पास कोई दो एग्जांपल्स हैं लाइक वो कपड़े धोएगी लास्ट पे गी आ गया मतलब के फ्यूचर इंडेफिनेट का टेंस है पहचान ऊपर दी गई है आपको गा गे गी वगैरह आता है वो कपड़े धोएगी अकॉर्डिंग टू तो आपका जो फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है वो शी आ गया उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल तो हमारे पास क्या है शी है तो ऊपर शी के साथ मैंने कहा था कि शी के साथ क्या आएगा विल आएगा शी विल उसके बाद क्या है सब वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉश शी विल वॉश कपड़े ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है कपड़े तो शी विल वॉश द क्लोथ्स वो कपड़े धोएगी उसके बाद है मैं गाना गाऊंगा सब्जेक्ट क्या है मैं आई मैंने कहा था आई के साथ शेल आएगा आई शेल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंग और ऑब्जेक्ट क्या है आ सॉन्ग आई शेल सिंग आ सॉन्ग ये आपके पास फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस है और इसका फॉर्मूला और उसकी कुछ मिसालें दी गई हैं आफ्टर दैट आपके पास फ्यूचर uh, टेंस uh, को नेगेटिव में uh, कन्वर्ट करने के लिए मीन्स कि अगर आपने नहीं का इस्तेमाल करना है तो आप कैसे करेंगे जुमले को मनफी बनाने के लिए विल शेल जो कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इनके बाद आप नोट लगाते हैं तो फार्मूला हमारा वही रहेगा जस्ट हमने किसका एडिशन करना है नोट का सब्जेक्ट आएगा प्लस विल नॉट या शेल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बिल्कुल पीछे जैसे हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा एग्जाम्पल यू कैन सी Uh, वो कपड़े मैंने पीछे कहा था वो कपड़े धोएगी तो मैंने क्या हमने क्या कहा किया था शी विल वॉश द क्लॉथ अब क्या है वो कपड़े नहीं धोएगी तो बस किसका एडिशन हो जाएगा नोट का तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा नोट शी विल नॉट वॉश द क्लॉथ वो कपड़े नहीं धोएगी इसी तरह मैं गाना नहीं गाऊँगा आई शैल नॉट सिंग आ सॉन्ग उसके बाद थर्ड हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले जुमले को सवालिया बनाने के लिए विल शेल के बाद जुमले यानी कि जो विल शेल होगा उसको जुमले के शुरू में ले आएंगे और जुमले के अख्ताम पर यानी कि जब जुमले की एंडिंग होगी तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का निशान लगाते हैं फार्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम विल शेल को स्टार्टिंग पर ले आएंगे उसके बाद हमारे पास सेम सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क आपका लाजमी होता है अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जुमले को सवालिया बनाने बनाते वक्त आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करते तो आपका जुमला टोटली रोंग कंसीडर किया जाता है मिसालें आप देख सकते हैं पीछे वाली पहले हमने एफर्मेटिव में की थी फिर हम नेगेटिव में की थी वही एग्जांपल अब मैं करूंगी इंट्रोगेटिव में सवालिया में क्या वो कपड़े धोएगी तो क्या आ जाएगा पहले विल आ जाएगा उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा विल शी वॉश द क्लोज और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क क्या मैं गाना गाऊंगा शेल आई सिंग आ सॉन्ग नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है दैट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कंटिन्यूस आपको पहले बता चुकी हूँ कि ऐसा काम जो अभी जारी है आ, उसे क्या बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस कंटिन्यूस का मतलब जारी रहना जुमले के आखिर में रही होगी रहा होगा रहे होंगे वगैरह आता है मीन्स कि हमें पता चल जाएगा कि अभी कोई काम हो रहा है या हो रहा होगा फॉर्मूला क्या है इसका सब्जेक्ट प्लस विल बी और शेल बी इसमें जो आपके हेल्पिंग वर्ब है उनके साथ आप एडिशन करोगे बी का यानी कि विल बी और शेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाओगे और लास्ट में आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट लाइक like. बच्चे शोर मचा रहे होंगे रहे होंगे एग्जाम आपके पास यानी कि ऊपर देखा जाए तो रहे होंगे किसकी पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूज की चिल्ड्रन विल बी मेकिंग आ नॉइज बच्चे शोर मचा रहे होंगे हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है विल बी का जहाँ भी आपका फ्यूचर कंटिन्यूज का टेंस आएगा उसमें आप क्या करोगे विल के बाद बी लगाओगे उसके बाद आपकी आई एन जी वाली फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आई एन जी लगाओगे हम लाहौर जा रहे होंगे वी शेल बी गोइंग टू लाहौर हम लाहौर जा रहे होंगे आफ्टर दैट इसी का अगर नेगेटिव में इसको कन्वर्ट किया जाए तो जुमले को मनफी बनाने के लिए विल शैल के बाद आप क्या लगाओगे नॉट लगाते हैं फॉर्मूला आपका वही रहेगा जस्ट आपने नॉट लगाना है सब्जेक्ट प्लस प्लस विल विल नॉट 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 और इसके बाद will not के बाद भी बी लगाओगे और शेल नॉट के बाद भी बी लगाओगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लाइक सना झूठ नहीं बोल रही होगी इसमें मैंने किस चीज की एडिशन कर दी है नहीं की जुमला आपका सेम वही है जस्ट आपने नहीं का इजाफा कर दिया विल नॉट बी टेलिंग आर लाई सना झूठ नहीं बोल रही होगी सितारे नहीं चमक रहे होंगे स्टार्स विल नॉट बी शाइनिंग सारी स्टेटमेंट सारा जो आपका फॉर्मूला है वही रहेगा जस्ट आपने नोट का ऑडिशन करना है इसी तरह जब आप इंट्रोगेटिव में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो जुमले को सवालिया बनाने के लिए विल शेल जो कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब है उनको जुमले के शुरू में ले आते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं फॉर्मूला है आपका विल शेल स्टार्टिंग पे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क्स मिसालें क्या तुम क्रिकेट खेल रहे होगे विल यू बी सबसे पहले विल आ जाएगा हमारे पास उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा उसके बाद बी विल यू बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क प्लस आई जी प्लेइंग ऑब्जेक्ट क्रिकेट विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट क्या हम खाना खा रहे होंगे शेल वी बी ईटिंग फूड क्या हम खाना खा रहे होंगे आफ्टर दैट आपके पास है थर्ड uh, वन और लास्ट वन आपके पास जो इसकी टाइप है दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है कि जुमले के लास्ट पे आपके पास चुका होगा चुकी होगी चुके होंगे वगैरह आता है मीन्स के कोई काम आपका परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल तो इस जुमले के uh, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसा जुमला जिसमें कोई काम मुकम्मल हो चुका हो वो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है फॉर्मूला क्या है इसका सब्जेक्ट आएगा प्लस विल हैव आपके पास तमाम प्रोनाउंस चाहे आई है वी ही शी इट दे या कोई सिंगर नेम है या कोई प्लूरल नाउन हैं तो सबके साथ आप विल का इस्तेमाल करोगे और विल के बाद आप हैव हैव लगाओगे यानी कि विल सबके साथ विल हैव आएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जितने भी आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस होंगे सबके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे और लास्ट पे ऑब्जेक्ट मिसालें हैं तुम बर्तन धो चुकी होगी होगी चुकी होगी मीन कोई काम हो चुका होगा तो यू विल हैव यू है उसके बाद विल है प्लस हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है वॉश वॉश्ड वॉश्ड यू विल हैव वॉश्ड द यूटेंसिल्स वो लड़ाई लड़ चुका होगा ही विल हैव फाउट द ड्यूअल आफ्टर दैट आप नेगेटिव सेंटेंस में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो आप विल शैल के बाद नोट का इजाफा करोगे सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा वो बर्तन नहीं धो चुकी होगी शी विल नॉट है वॉश द यूटेंसिल्स वो लड़ाई नहीं लड़ चुका होगा ही विल नॉट हैव फाउट द ड्यूअल जस्ट आपने किसका डिशन कर दिया नॉट का लास्ट वन आपके पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि जुमले को सवालिया बनाने के लिए विल को आप जुमले के शुरू में ले आते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं फॉर्मूला इसका क्या है विल आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क मिसालें क्या वो कपड़े धो चुकी होगी विल शी है क्लॉथ क्या मैं गाना गा चुका हूँ विल आई हैव संग सॉन्ग ये आपके पास फ्यूचर टेंस था कंप्लीट जिसकी हमने आज तीन टाइप्स डिस्कस की हैं फ्यूचर इंडेफिनेट फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट uh, इस सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझने के लिए इसको खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको इस टेंस की अच्छी तरीके से समझ आ सके थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़